Okay, great. So I welcome everyone again in this question answer session. So जो मेरे लिए सबसे पहला सवाल है, एक सवाल मुझे participant ने पूछा, how can I get rid of depression? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि depression ये term मतलब एकदम commonly इस्तेमाल मत कीजिए. Depression ये ऐसी स्टेज है जहां पे बंदा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज्यादा. और अभी आप डिप्रेशन में वगैरह नहीं हो, जिसने भी सवाल पूछा है. बेसिकली अभी आप थोड़े से लो स्टेट में हो, ऐसे बोल सकते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड. और मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपको पॉजिटिव बनना है कोई एक सर्टन सिचुएशन में, अगर आप लो फील करते हैं तो आप डांस कीजिए, डांस डांस एज इफ आपका टारगेट पूरा हो चुका है. यूज योर फिजियोलॉजी, आपका बॉडी लैंग्वेज आप चेंज कर दीजिए. मैंने आपको ऑलरेडी सबको गाइड किया है कि रेगुलरली घर पे डांस करना शुरू कीजिए. अगर आप जोर से चिल्ला नहीं सकते, अगर आपका घर छोटा वगैरह है, सब लोग आपको पागल कहेंगे, तो आप मन ही मन चिल्लाइए और डांस करना शुरू कीजिए रेगुलरली. आपको डांस करने से आपका फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगा, यू फील रियली डायनामिक एंड पॉजिटिव. और अफर्मेशंस कर सकते हैं, जो आपको मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बताए हैं. जब भी आपको लो फील करेगा, आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं. यू कैन वॉच अमेजिंग वीडियोज ऑल्सो. बाय द वे, जो लोगों ने मेरा ऑलरेडी कोर्स इनरोल किया हुआ है, लाइफ मास्टरी वर्कशॉप, उनको लाइफ टाइम एक्सेस है. तो मेरे वीडियोज आप फिर से एक बार देखिए, वो भी आपके वीडियोज है, वो मेरे भी है, और अभी मैंने आपको दे दिए है. इट इज देयर विथ यू फॉर द लाइफ टाइम. तो आप सोचेंगे सर मुझे पता है, वो मैंने वीडियो देखे हैं, बार बार क्या देखना, ऐसे मत सोचिए. बिकॉज रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ ऑल स्किल्स. रिपीटेशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स. जितना हम लोग को रिपीट 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 करेंगे, उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगा. इट विल बिकम योर सेकंड नेचर. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार जो भी हम लोग सिस्टम सीखी है आपको कंटिन्यू करना है. सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने आपको होमवर्क दिया था, किस तरह से आपको रेगुलर बेसिस में वो अप्लाई करना है. वो आप सिस्टम ऑन योर ओन फॉलो कर सकते हैं. एंड बाय द वे, अभी 7th August से हमारी फिर से एक बार इम्प्लीमेंटेशन की बैच शुरू हो जाएगी. सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बैच. आप इम्प्लीमेंटेशन के बैच में फिर से एक बार ज्वाइन हो सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ एक ही बार इम्प्लीमेंटेशन करना है. अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर टाइम, अगेन ज्वाइन. सो दिस इज वॉट आई कैन से. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर मी. ओके, अभी यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आपके पीठ के पीछे किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ बुरा काम किया है आपके रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहली बात तो अगर आपको कंफर्म पता है, कभी कभी किसी एक रूमर होती है कि सिर्फ एक वहम होता है कि शायद उसने ऐसा कुछ किया होगा, तो वो केस में एक बार कंफर्म कर लीजिए. अदरवाइज अननेसेसरीली किसी को भी आप ब्लेम करोगे, वो बहुत बुरा मान जाएगा. अगर लेकिन आप कंफर्म हो, सो आई वुड से गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. उससे एक बार बात कीजिए, उसको पूछिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया, व्हाट इज योर चैलेंज. उसे एक बार बात कर लीजिए, उसे समझाइए. अगर ये कॉर्पोरेट एरिना में हो रहा है, कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगा उसे एक बार वॉर्न कर लीजिए, उसे एक बार प्यार से बात कीजिए. अगर नहीं मानता है तो नेक्स्ट टाइम उसे कहिए कि ये जो भी चीज आप कर रहे हो मैं एस्केलेट कर दूंगा, जो आपके अपर बॉस है वहां तक ये चीज पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. तो इस तरह से आप जा सकते हैं. लेकिन सबसे पहले धमकी मत देना, सबसे पहले समझाने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करो. अगर तो भी कुछ होता नहीं है, देन यू कैन एस्केलेट. सो इट्स लाइक साम दाम दंड भेद, यू कैन यूज दैट. वाओ, सो यहाँ पे एक सवाल है, हाउ आई कैन स्टार्ट माय पैरेलल इनकम. मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको पैरेलल इनकम के बारे में आप सोच रहे हो, तो अगर आपको शेयर मार्केट में वगैरह इंटरेस्ट है तो उसके आप नॉलेज ले सकते हैं, राइट. या फिर मैं तो ये कहूंगा, शेयर मार्केट इज अ वन थिंग, लेकिन उसमें भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मतलब पैरेलल इनकम या फिर कोई मतलब शेयर मार्केट हो गया या फिर और कुछ हो गया, इवन LIC का एजेंट बन के भी आप पैरेलल इनकम शुरू कर सकते हो. लेकिन जो भी आप पैरेलल इनकम के बारे में सोचते हो, तो वो आसानी से नहीं मिलने वाला, ये बात आप समझ लीजिए. जब तक वो स्किल्स आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक वो इनकम शुरू नहीं होगा. तो उसका जबरदस्त ट्रेनिंग लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राइट. लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऑलवेज रिलाय अपॉन योर पैशन. जो भी आपका पैशन का फील्ड है उसमें जाइए,
उसमें पैरेलल इनकम जनरेट करना बहुत आसान होता है बिकॉज यू आर इंक्लाइन टू इट. वो उसमें मेहनत करना आपके लिए मेहनत नहीं रहेगा. जैसे कि अभी आपने जो सवाल पूछा है, अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने आपको देखा है कि गिटार आप बजा रहे थे एक बार, राइट? तो अगर गिटार वगैरह बजाने में इंटरेस्ट हो, आप क्या कर सकते हैं, जरा गिटार का थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं, गिटार में मास्टरी अचीव कर सकते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद आप वही ट्रेनिंग आप दूसरों को दे सकते हैं. टीच एंड गेट रिच. लेट मी रिपीट, टीच एंड गेट रिच. तो जो भी आपका पैशन है उसमें आप कुछ नॉलेज वगैरह देना शुरू कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट है स्तुति, वो खुद सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स में वगैरह छोटा मोटा चैलेंज रहता है, तो उनके रिलेटेड क्लासेस ले सकते हैं. और अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको क्लासेस ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, आई मीन टू से रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. यू हैव जूम, जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ तो एक सॉफ्टवेयर है, आई फॉरगॉट द नेम, सो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ है. सो आई वुड से टीच एंड गेट रिच, बिकॉज टीचिंग है ऐसा फील्ड है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें सिर्फ आपका स्किल और नॉलेज काम में आता है और वहां से आप अर्निंग कर सकते हो. शेयर मार्केट वगैरह भी है, बट अगेन आई एम वार्निंग यू, ये कोई शॉर्टकट वाला स्कीम नहीं है. यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दैट, अदरवाइज क्या होगा, 10,000 का 1,000 होने में टाइम नहीं लगेगा. किसी का 1,00,000 का भी 1,000 हो जाता है, 10,00,000 का भी 1,000, एनीथिंग कैन हैपन. बट एट द सेम टाइम इफ यू नो द सिस्टम प्रॉपरली तो आप 10,000 के 1,00,000 भी कर सकते हो. बहुत सारे लोग करते हैं बट यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. अभी मेरे एक स्टूडेंट थे रिसेंटली, मैंने सक्सेस स्टोरी उनकी शेयर की थी, फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, यश श्रीवास्तव. तो वो बंदे को जो मिलने गया बहुत डिप्रेशन में था वो, मतलब मुझे बहुत घूर घूर के देख रहा था. क्यों? बिकॉज जबरदस्ती उसके पेरेंट्स ने मुझे बुलाया था काउंसिलिंग के लिए. तो बोला सर आप क्या करोगे, मेरे को पता है कि मेरे कितने ऑपरेशन हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ड्रॉपआउट स्टूडेंट हूँ. तो उसको मैंने काउंसिलिंग किया, उसको समझाया, फिर वो बंदे ने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम बिकॉज ऑफ काउंसिलिंग, वो बहुत पॉजिटिव हो गया फॉर श्योर. और उसने शेयर मार्केट का बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग लिया. तो ट्रेनिंग लेने के लिए इधर बाहर नहीं गया, यूट्यूब के ऊपर कम से कम उसने 1,000 वीडियो देख ली, 1,000 वीडियो यूट्यूब के ऊपर. और उसको पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है. थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाया, रिसर्च किया और उसने ट्रेडिंग करना शुरू किया. आज बंदे की उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन हर महीने वो बंदा 3,000 से 5,000 रुपया कमा रहा है. और आज उसके पास लाइन लगी हुई है, भाई मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सिखाओ. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको शेयर मार्केट सिखा सकते हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग है, लेकिन सबसे आसान तरीका आई वुड से टीच एंड गेट रिच. जो भी आपको नॉलेज पता है इसके रिगार्डिंग में एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा. आप बोलेंगे सर मैं कैसे सिखा सकती हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है. चलो मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला बताता हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग फॉर्मूला, जिससे मेरी आंखें खुल गई बहुत और मैं ज्यादा पैमाने में खुद को एक्सप्लोर करने लगा अलग अलग फील्ड में. देखिए आज आपके पास जो भी नॉलेज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है स्तुति, तो स्तुति को समझो जो भी नॉलेज है कॉमर्स के फील्ड का, अगर वो मैं स्केल के ऊपर रखता हूँ 1 to 10 के स्केल पे, लेटस अज्यूम कि उनका स्केल अभी समझो 7 है इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट में, उनका जो नॉलेज है अकाउंटेंट जो भी है वो 7 है, तो इसका मतलब वो 8, 9, 10 को तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये तो तैयार है बिकॉज 8, 9, 10 उनसे आगे है. लेकिन जो भी बच्चे 1 to 6 के रेंज में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनका वो लेवल का नॉलेज है, तो वो लोगों को तो ये सिखा सकती है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो यहाँ से आप पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं और जूम मीटिंग के थ्रू आप आसानी के साथ ऐसे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग होने के बाद उसी का ही बाद में प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ तो यही बाद में मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ या फिर इससे ही क्लिपिंग्स वगैरह जनरेट करके इसका एक सेपरेट कोर्स भी बना सकता हूँ. सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स by which you can do that. आप I would request blogging. Blogging भी एक ऐसा माध्यम है, अगर आपको लिखना वगैरह पसंद है blogging से भी आप पैसा कमा सकते हो. Even voice over voice123.com करके गए, वहाँ से voice over के लिए भी आपको पैसा मिलता है. ऐसे बहुत कुछ options available है, लेकिन there is no easy money. Please understand, ये गलत फहमी में मत रहिए कि आसानी से हो जाएगा. वहाँ पे आपको बाप लेवल का परफॉर्मेंस देना है, उसी के बाद लोग आपको पैसा देना शुरू करेंगे. देयर इज नो शॉर्टकट, बिकॉज आपको पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना वगैरह कितना आसान है ना, एक कोई ऐसा 3,000-4,000 का ब्रेजर खरीद लो
ब्लेजर पहन लो और सिर्फ मोटिवेट करो, ये कम ऑन ये वो, और लोग हजार हजार रुपया देंगे, 100 लोग 1000 रुपया देंगे तो 1 लाख रुपया बन जाएगा, ये कितना आसान है। और इसीलिए ट्रेन द ट्रेनर का धंधा इतना जबरदस्त होता है लोगों का, एक एक दो दो 5-5 लाख रुपया वो ट्रेन द ट्रेनर के कोर्स बेचने वाले देते हैं और ये स्टूडेंट्स ले लेते हैं, और बाद में पता चलता है ये इतना आसान नहीं है और बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन तब तक ट्रेनर तो अमीर बन जाते हैं। तो इसीलिए ये सब दलदल में आप मत फंसिए, प्लीज फॉलो योर पैशन, वहां से आपका अर्निंग जबरदस्त हो सकता है। आई होप यू गॉट द आंसर। वाओ, सो यहाँ पे मतलब जो मैंने डिप्रेशन के रिलेटेड बताया, डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा लो फील करते हैं, लो फील करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तो फील गुड का फैक्टर आने के लिए आप मतलब क्रिकेट मैचेस भी देख सकते हैं, पुराने क्रिकेट मैचेस हो गए, या फिर कोई अच्छे मोटिवेशनल मूवीज देख सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए समीर नारद, और वहाँ पे अराउंड 100 वीडियोज है, वो वीडियोज बार बार देखते रहिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, राइट, शेयर विद अदर्स, वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। सो यहाँ पे एक सवाल है, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए यू नीड करेज, नथिंग एल्स। इफ यू हैव करेज तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड मेन चीज जो है करेज के लिए, जो बीच में ऑब्स्टेकल है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का जो ऑब्स्टेकल है, वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो आप कभी जिंदगी में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, यू विल ऑलवेज गो कन्वेंशनल, नॉर्मल वे में ही जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ करेज, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फियर ऑफ फेलियर को बाजू में रखिए। आप ऐसे सोचिए ही मत, समझो आपने काम किया आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ तो काम किया, तो वो केस में आपको शायद नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो वो केस में उसको नेगेटिव मत देखिए, उसको लर्निंग के तौर पे लीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार आउट ऑफ द बॉक्स जाइए। दैट्स इट आई कैन से। और मैं आपको गाइड करूंगा क्रिएटिविटी के ऊपर, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, हाउ यू कैन बी क्रिएटिव इन योर लाइफ, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, अगर रोज रात को सोने से पहले आप आग बंद करके, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने की बहुत इच्छा है और आपका मतलब वो एक टारगेट है कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स हर बार जाना है, तो रोज रात को सोने से पहले एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, आई ऑलवेज गो आउट ऑफ द बॉक्स। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आपके सामने वो मौका आएगा, योर माइंड इज प्रोग्राम्ड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्शियसली अंदर से तो आवाज आएगा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीफ अगर नेगेटिव है कि नहीं यार तू गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो वो फिर से सप्रेस हो जाएगा। आपको लगता है ये सप्रेस ना हो और इजी वे में आपका कम्युनिकेशन हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैं कहूंगा जस्ट डू द अफर्मेशन एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि अगर मेरे बारे में कोई बार बार नेगेटिव ही सोचता है तो मैं क्या करूं। बहुत आसान है, बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू। खुद की लेवल ऐसी बढ़ाओ कि सामने वाला व्यक्ति आपको सलाम करने के लिए वो झुकना चाहिए। कहते हैं लोग आपके बारे में नेगेटिव कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दे दो ना कि सामने वाला व्यक्ति झुकना चाहिए आपके सामने। इट इज पॉसिबल, वर्क ऑन योरसेल्फ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से, जो भी व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव बार बार आपके बारे में सोच रहा है, तो उसको ब्लेसिंग्स भेजिए। अगर आप उनको ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे, सो ब्लेसिंग्स के वजह से ऑटोमेटिकली आप उसका जो नेगेटिविटी है सप्रेस कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल टू सप्रेस देयर नेगेटिविटी इफ यू आर सेंडिंग देम द ब्लेसिंग्स। मैंने आपको बताया था कि जब आपको लोगों को हैंडल करना रहता है, नेगेटिव लोगों को, या फिर आपके दुश्मनों को आपको मैनेज करना है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको उनको ब्लेसिंग्स भेजनी है। सो सेंड ब्लेसिंग्स, सो इज वन ऑफ द ऑप्शन, एंड प्रूव योर वर्थ। वाओ, सो यहाँ पे प्रकाश जी ने ऑलरेडी कहा है कि उन्होंने अभी गिटार लोगों को सिखाना शुरू किया है, ट्रेनिंग देना लोगों को शुरू किया है। इट्स अ ग्रेट थिंग। वाओ, सो यहाँ पे एक सवाल आया है, सॉरी, अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप नेटवर्किंग स्किल्स थ्रू ह्यूमन नीड्स। देखिए,
हर एक व्यक्ति मतलब जब उसके साथ आप कनेक्ट होते हो, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से एक बार आपको रिमाइंड करता हूँ, जब भी आप किसी को मिलते हो, वेन यू यू मीट समवन, बीट इन मीटिंग, बीट ओवर फोन, कैसे भी, तो आपका इंटेंशन हो ये होना चाहिए कि मैं उनको हेल्प कैसे करूं, मैं उनको हेल्प कैसे करूं। बहुत बार लोगों का टारगेट क्या होता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अरे मेरा खरीदना, ये ले मेरा कार्ड, ये ले मेरा कार्ड, अब मेरा खरीदना, मेरा प्रोडक्ट खरीदना। दिस इज नॉट द वे। हर एक व्यक्ति यही सोच के नेटवर्किंग मीटिंग में जाता है, फिर वो फेल होता है या फिर उसे वो रिजल्ट नहीं मिलते। अगर उनको रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको उनको क्या चाहिए वो सोचना होगा और उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप उनको सपोर्ट करना शुरू करेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। ह्यूमन नीड्स क्या है, आपने पूछा कि थ्रू ह्यूमन नीड्स मतलब वो बंदे की क्या जरूरत है, वो आप पूरी करने की कोशिश कीजिए, आपके एंड से आपको उसको रिसोर्सेज दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। डू नॉट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन देने की आप कोशिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक सवाल आया, हाउ टू सेट योर गोल। बाय द वे, गोल सेटिंग का जो ट्रेनिंग का एक्सेस है मैंने आपको कई लोगों को दिया है, और लोगों को मैं अभी आपको एक से दो दिन में होपफुली कल शाम तक आपको मैं गोल सेटिंग का भी एक्सेस देने वाला हूँ, जिसमें आप गोल सेटिंग का ट्रेनिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एट ए टाइम अगर दो गोल्स रहेंगे तो कैसे पूरे हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अ प्रायोरिटी, मतलब जो भी आपके गोल्स हैं, दोनों के गोल के लिए जो भी आपको एक्शन स्टेप्स लेने हैं डे टू डे बेसिस पे, जो भी आपको एक्शन स्टेप्स लेने हैं वो रेगुलर वे में लेना जारी रखिए, उसके साथ विजुअलाइज करते रहिए, तो दोनों भी गोल्स आपके पूरे हो सकते हैं। यू कैन मैनेज बोथ ऑल्सो। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एक्चुअली, मतलब वो सिचुएशन में क्या प्रायोरिटी है, वो सिचुएशन में क्या प्रायोरिटी है, एंड एज पर प्रायोरिटी यू कैन टेक द कॉल। लेकिन दोनों भी गोल को आप विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज बोथ द गोल्स एंड एट द सेम टाइम कीप टेकिंग मैसिव एक्शन फॉर द बोथ गोल्स। तो वो कैसे कर सकते हैं, हर दिन वो दोनों गोल्स के लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं उसका एक चार्ट बना के रखिए, एंड एज पर दैट कीप टेकिंग द एक्शन। तो यहाँ पे एक और एक सवाल आया है कि जैसे कि अगर आपको बार बार नए आइडियाज आते रहते हैं लेकिन वो आइडिया इंप्लीमेंट करने में आपको चैलेंज आता है, सो उसका सॉल्यूशन एक्चुअली मैंने गोल सेटिंग के ट्रेनिंग में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो गोल सेटिंग का ट्रेनिंग का एक्सेस मैं कल आपको देने वाला हूँ, राइट। तो वो गोल सेटिंग का एक्सेस आप लीजिए, वॉच आउट दैट ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको चैलेंज आ रहा है उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल टॉक टू यू पर्सनली। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू सेट द प्रायोरिटी। अगेन, प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, ये गोल सेटिंग के ट्रेनिंग में ऑलरेडी डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये एक्सेस मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। सो टुमारो यू वॉच आउट दैट। तो प्रायोरिटी, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, मैं लॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने वहां पे शेयर किया है, यू फॉलो दैट, ट्रस्ट मी, यू विल गेट द रिजल्ट। वाओ, अमेजिंग। सो आज मुझे जो भी सवाल आ रहे हैं, सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग बिकॉज अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग मैंने ट्रेनिंग ले ली है, आपने अटेंड की है, तो अभी आप मेंटली तो स्ट्रांग हो गए हो, नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल स्ट्रेटेजीज। तो लॉजिकल स्ट्रेटेजीज कैसे फॉर्म करने हैं, तो उसके आपके जो सवाल आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको गोल सेटिंग का जो ट्रेनिंग है मेरा, जो एक्सेस मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। हाउ टू हैव द रिव्यू सिस्टम, जो रिव्यू की सिस्टम है वो कैसे सेट करते हैं और जिससे हमारा सक्सेस हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द एक्शंस। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। Yes. Okay. तो यहाँ पे सवाल आया हुआ है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका चैलेंज ये है कि वो बेसिकली क्रिकेट भी खेलते हैं और उसके साथ उनका स्टडी भी चालू है। तो कोच कहता है कि आप क्रिकेट के ऊपर फोकस कीजिए, पेरेंट्स कहते हैं कि आप स्टडीज के ऊपर फोकस कीजिए, तो वो केस में क्या करना चाहिए। सो आई वुड से आप एक बार आपके पेरेंट्स को, आपको
मतलब बात करनी चाहिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा जो क्रिकेटर्स हैं जो इंडियन टीम में क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, उनके क्रिक बस के ऊपर वीडियोस आते हैं, वो जरा वीडियोस देखिए। उनके भी सामने वही चैलेंज था जो आज आपके सामने है। तो वो मोमेंट पे उनके पेरेंट्स ने क्या सोचा था, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो आपको सुनने मिलेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये जो क्रिक बस के वीडियोज है जो बीच बीच में आपको भेजते रहता हूँ, वो ये पूरे वीडियोज क्रिकेट के आप आपके पेरेंट्स के साथ देखिए, बिकॉज वहां पे पेरेंट्स भी बात करते हैं बच्चों के रिगार्डिंग। तो आपको समझ में आएगा कि पेरेंट का रोल वहां पे क्या होता है और वो प्लेयर का रोल क्या होता है, कोच का रोल क्या होता है। यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी। मे बी अभी बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, लेकिन आई वुड से गो फॉर द क्रिक बस इंटरव्यूज, या फिर बहुत सारे इंटरव्यूज है यूट्यूब के ऊपर क्रिकेटर्स के जो पेरेंट्स के, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोगों ने अभी ये कोर्स परचेज किया है लाइफ मास्टरी वर्कशॉप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बार 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 वीडियोस देखते रहिए, बिकॉज आपके पास अभी लाइफ टाइम एक्सेस है। और जो भी आपको डाउट्स रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन में, या फिर इम्प्लीमेंटेशन की बैच है वहां पे आप इम्प्लीमेंटेशन की बैच में भी आ सकते हैं। सो विलास जी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम है, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम कैसे सेटअप करते हैं उसका ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूँ कल। उसका आपको 2 घंटे का गोल सेटिंग का एक्सेस मिलने वाला है, तो उसमें आपको पूरी सिस्टम क्लियर हो जाएगी। एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन गेट बैक टू मी, कैन गेट बैक टू मी। तो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज we will have to end this question answer session, because ये हमारा question answer session है। आप सवाल करेंगे तो मैं बोलते रहूंगा, आपके सवाल बंद, मेरा बोलना बंद, because there is no set topic for this। लेकिन मैं आपको बार बार request करता हूँ, एक ही चीज में बोलता हूँ। Okay, so there is one question, let me go through that question। Okay, सो अगेन क्वेश्चन ये है कि बहुत बार एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि बहुत बार कुछ वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में उनको चैलेंज आता है। तो वो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे किया जाता है, उसमें एक्चुअली वो स्टेप्स जो है बेबी स्टेप्स कैसे लेते हैं, उसी का इन डेप्थ ट्रेनिंग आपको गोल सेटिंग के ट्रेनिंग में मिलने वाला है। तो मतलब आप सबके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, बिकॉज मुझे पता था कि आपको अभी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इसलिए मैंने कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया कि सबसे पहले मैं आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता हूँ, देन आई गो फॉर द स्किल्स, बिकॉज स्किल्स इज ओनली 10-20% एंड वॉट मैटर इज द माइंड सेट। जो माइंड सेट अभी आपने ऑलमोस्ट डेवलप कर लिया है, विच इज 80%। ओके, सो यहाँ पे सवाल है हाउ आई कैन आई कम्युनिकेट लाइक अ बिजनेस लीडर। बिजनेस लीडर की तरह अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके वीडियोस देखने चाहिए, उनके इंटरव्यूज सुनने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि उनके लैंग्वेज में और आपके लैंग्वेज में क्या अंतर है, आप कौन सी गलतियां कर रहे हो आपके कम्युनिकेशन में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके आप इंटरव्यूज देखिए, उनके आप किताबें पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक से ऑडियो बुक सुन सकते हो। देखिए, आपका कम्युनिकेशन तभी इम्प्रूव होगा जब आपके पास कंटेंट अच्छा होगा। कंटेंट मतलब कंटिन्यूसली आप खुद का नॉलेज अपडेट करते रहेंगे तभी आपका कम्युनिकेशन जबरदस्त हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपके पास बहुत सारे आइडियाज रहेंगे। देखिए, बेसिक कंसेप्ट हर बार सेम रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। जो भी आप बात करते हैं बिजनेस की या फिर जो भी है प्रोडक्ट की, वो बेसिक कंसेप्ट हर बार सेम रहता है, लेकिन आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। सो प्रेजेंटेशन कैसे रख सकते हैं, एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, यूनिक स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना अनिवार्य है। और वैसे सक्सेसफुल लोग बाय गॉड्स ग्रेस यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको आप स्टडी कीजिए, आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। और हमारा बहुत सारा ट्रेनिंग अभी बाकी है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग है, उसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग का भी मैं आपको एक्सेस देने वाला हूँ, तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट आप करने वाले हैं। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये ऐसा मतलब 15 दिन का वगैरह कोर्स नहीं है, 15-20 दिन हो गया चल खत्म,
आपका मेरा रिलेशन खत्म, ऐसा नहीं है. इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग. यहाँ पे आपको बेबी स्टेप्स लेते रहने एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू. Wow, so there is amazing question. How can we communicate so that people will listen to us seriously? So, वो seriously आपको अगर आपको लगता है कि आप लोग आपको सुनने चाहिए तो उनको क्या चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए. देखिए कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ कम्युनिकेट करता है तो उसके साथ रैपो कैसे बिल्टअप करते हैं. सो रैपो बिल्डिंग की कुछ टेक्निक्स हैं. रैपो बिल्डिंग की टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ. जो वन टू वन जो मीटिंग का जो एक मॉड्यूल है हमारा इंटरव्यू स्किल्स का, वहाँ पे रैपो बिल्डिंग कैसे किया जाता है उसके ऊपर मैं ज्यादा ट्रेनिंग देने वाला हूँ. लेकिन अभी स्वीट एंड शॉर्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि सामने वाले को क्या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट का एरिया पहचान के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी बात वो सीरियसली लेगा. और एक टेक्निक है पेन एंड प्लेजर टेक्निक. पेन एंड प्लेजर शायद मैंने पहले भी बताया होगा, फिर से एक बार बताता हूँ. देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज खरीदता है या फिर कोई भी चीज के प्रति सीरियस कभी होता है, एक तो वहां से उसको प्लेजर मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसको फायदा है उसका. व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा फायदा क्या है, तब वो चीज वो सुनेगा. या फिर वो कोई पेन अवॉइड करना चाहता है, कुछ दुख जिंदगी के अवॉइड करना चाहता है, वहां से दूर जाना चाहता है, इसलिए वो चीज सीरियसली फॉलो करेगा. इसलिए जो भी व्यक्ति को आप जो नॉलेज या फिर जो भी दे रहे हो उसको अगर सीरियस करना है तो एक बार उसको प्लेजर दिखाइए. मतलब वो नॉलेज फॉलो करने के बाद या फिर वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको क्या फायदा होगा, एक प्लेजर का एक पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन उसके आंखों के सामने खड़ा कर दीजिए. अगर वो प्लेजर से मोटिवेट नहीं होता है तो उसको पेन दिखाइए. अगर वो चीज फॉलो नहीं करेगा तो कौन से चैलेंजेस वो फेस कर सकता है जिंदगी में, तो पेन एंड प्लेजर दोनों भी दिखाएंगे. सो डेफिनेटली रैपो बिल्डिंग बहुत जबरदस्त आपका हो जाएगा. अगर ये भी नहीं होता है तो मैं आपको एक घंटे के डेप्थ में मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिसमें NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बहुत पावरफुल टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप सामने वाले के साथ रैपो बिल्डअप कर सकते हैं. राइट, वाओ. सो यहाँ पे सवाल आया है व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग उसके नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाली है. आपको मैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग का और उसके साथ गोल सेटिंग का एक्सेस दूंगा और पब्लिक स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग आपको विद इन अ वीक आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा. लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप मैंने इसीलिए रखा है ताकि एट ए टाइम सब अगर मैं आपको दे दूंगा सो यू विल बी कंफ्यूज कि ये करूँ. आप क्या करेंगे, थोड़ा ये देखेंगे थोड़ा वो देखेंगे तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा. इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ कि एक कंप्लीट हो गया आपका मॉड्यूल तो दूसरे तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो डाइजेशन करना आसान रहेगा, अदरवाइज आपको हजम नहीं होगा वो नॉलेज. सो यहाँ पे कोई स्पीकर्स के इंटरव्यूज के बारे में यहाँ पे मुझे पूछा गया कि ऐसे कौन से यूट्यूब के चैनल हैं. तो यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं. आपका पसंद का एरिया जरा आप ढूंढिए. ठीक है, अभी मेरे लिए फॉर मी क्रिकेट इज एवरीथिंग. बिकॉज जो क्रिकेटर्स होते हैं तो उनके स्ट्रेटेजीज में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ. लेकिन इसके अलावा आप बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा इनके चैनल के ऊपर जो बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनके इंटरव्यूज विवेक बिंद्रा जी लेते हैं. या फिर इवन टोनी रॉबिन्स का भी यूट्यूब का चैनल है. वहां पे टोनी रॉबिन्स बहुत बड़े बड़े लोगों के, जैसे कि माइकल फेल्प्स पता है आपको कौन है. माइकल फेल्प्स ऐसा बंदा है जिसने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल है. अभी तक किसने ही नहीं किया, आई डोंट नो ये कभी हो सकता है. तो हिस्ट्री बंदे ने क्रिएट की थी. तो उसका आधे एक घंटे का इंटरव्यू है. तो थिंक अबाउट इट, ऐसे इंटरव्यूज अगर आपको सुनने मिलेंगे, उनका माइंडसेट अगर आपको समझ में आ जाएगा, यू कैन डू मिराकुलस थिंग्स. बहुत सारे ऐसे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे. आप यूट्यूब के ऊपर सिर्फ जाके वहां पे सर्च कर दीजिए इमिनेंट पीपल इंटरव्यूज, दैट्स इट. इतनी वीडियोज मिल जाएंगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो वीडियोस खत्म नहीं होंगे. यू नो व्हाई, बिकॉज हर दिन हजारों लाखों वीडियोस अपलोड होते ही होते हैं. हर दिन हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं, मतलब एक कंप्लीट हो गया तो दूसरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा. सो फील फ्री. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी. सो मेमोरी इम्प्रूवमेंट के कुछ टेक्निक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. जब मैं पब्लिक स्पीकिंग लूंगा, पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक में मेमोरी इंप्रूवमेंट के कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ. बट एज ऑफ नाउ मैं आपको यही कहूंगा,
कि मेमोरी का डायरेक्ट रिलेशन आपके इंटरेस्ट के साथ है. अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग है, आपके फायदे की है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके याद रहती है, आप याद रखते हो. अगर इंटरेस्ट की नहीं है तो आप नहीं याद रख सकते. तो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना जरूरी है. जैसे कि शोले मूवी अगर आपने देख ली, थ्री इडियट्स मूवी आपने देख ली, तो उसको आपको बाहट करने की जरूरत नहीं होती. यू रिमेम्बर ऑल मूवी कम्प्लीटली, डायलॉग के साथ वो गाने वगैरह भी याद हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज यू लव इट. लेकिन जो भी आपको याद रखना है उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो याद रखना बहुत मुश्किल है. देखो, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म मेमोरी में हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा. लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना चाहिए. और राइट ब्रेन की कुछ एक्सरसाइज है, कुछ टेक्निक्स है जिसको फॉलो करके आप आपकी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं. उसका मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ. और मैंने एक सुपर ब्रेन योगा आपको ऑलरेडी कंसेप्ट सिखाया है, राइट? सुपर ब्रेन योगा का मैंने आपको वीडियो भी ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग में दिया था. तो रेगुलरली सुपर ब्रेन योगा फॉलो कीजिए. सुपर ब्रेन योगा करेंगे तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी में आपको फायदा होगा. तो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अदरवाइज हमारा ये वेबिनार यहाँ पे अदरवाइज एंड हो सकता है. फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस. तो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. यहाँ पे एक सवाल आया है, इज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, जो इंट्रोवर्ट, आपको पता है दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है. एक होता है इंट्रोवर्ट जो खुद में रहता है, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट. ऐसे नहीं है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट जो बंदा है वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता. आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है. इंट्रोवर्ट अगर बंदा है तो वो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा, खुद को एनालाइज करेगा, लोगों को भी शांत रह के एनालाइज करते रहेगा. आपको एक संस्कृत में एक स्टेटमेंट पता होगा, मौनम सर्वार्थ साधनम. जितना व्यक्ति शांत रहेगा, मौन में रहेगा, उसको अंदर से मोती मिलना शुरू हो जाता है. बहुत सारे डायमंड्स उसको मिलना शुरू हो जाता है. सो इंट्रोवर्ड रहना, सचिन तेंदुलकर ये इंट्रोवर्ड बंदा है. अभी आप बोलिए, महेंद्र सिंह धोनी इंट्रोवर्ड है, कभी किसी से बात नहीं करता, शांत रहता है. अभी आप बोलिए. सो हर एक की पर्सनालिटी होती है. हाँ, अगर आप कहते हो कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, काउंसलर बनना है, और मैं इंट्रोवर्ड हूँ, सॉरी, फिर वहां पे आपका काम नहीं बनेगा. वहां पे आपका काम नहीं बन सकता. सो यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ड ओवर देयर. लेकिन अगर आप कहते हो कि आपका कुछ और बिजनेस है, तो वहां पे ठीक है. वहां पे देखिए, जब बात करनी है तो आप लोगों को बात करनी ही होगी. यू नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स. कम्युनिकेट करते हुए आपको वो थोड़ा बहुत टाइम के लिए एक्सट्रोवर्ड बनना होगा. लेकिन बाकी के टाइम अगर आप शांत हो, इंट्रोवर्ड हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत रिफ्लेक्ट करोगे और बहुत जबरदस्त सक्सेस अचीव कर सकते हो. सो ऐसा मत सोचिए. बाय द वे, लेट मी टेल यू, आई एम इंट्रोवर्ड. आई एम एब्सोल्युटली इंट्रोवर्ड. मतलब अभी मैं ट्रेनिंग चालू है हमारी, इसलिए मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ. बट अदरवाइज रियल लाइफ में मैं बहुत शांत रहता हूँ. अगर आप इन जनरल मुझे कभी किधर मिलोगे और देखोगे, तो आपको लगेगा कि क्या ये सच में बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है? क्या ये सच में मोटिवेट कर सकता है? इसमें एबिलिटी है? सो आई एम ऑल्सो द इंट्रोवर्ट पर्सन. सो इट इज नथिंग लाइक दैट. इट इज नथिंग लाइक दैट. सो देर इज वन मोर क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक टीचर है हमारे ग्रुप में, तो वो कहते हैं कि उनको एक MLM मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा उनके पीछे पड़ा है, कि आप भी ये टीचिंग के साथ ये कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो MLM है ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट होता है. अच्छी कंपनीज भी होती है, बुरी कंपनीज भी होती है. MLM वैसे भी बदनाम है एक्चुअली, बिकॉज 90% कंपनीज बुरी होती है. आई मीन टू से वो थोड़े देर बिजनेस करके पैसा लेके भाग जाते हैं. तो जरा वहां पे ध्यान रखिए, जो भी कंपनी आप चुन रहे हैं क्या वो सच में अच्छी है, उसके ऊपर जरा एक बार रिसर्च कर दीजिए. बिकॉज आप आपके कॉन्टैक्ट्स दाव पे लगा देते हैं और वो कंपनी भाग गई, उनके प्रोडक्ट गंदे निकले, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कंपनी में आप MLM के जाना चाहते हो, तो मतलब जैसे कि देखिए ना, किसी से शादी करने के लिए हम लोग कितना सोचते हैं, राइट? शादी करने के लिए हम लोग कितना सोचते हैं. ऐसे शादी नहीं करते मजाक मजाक में, बहुत सोचते हैं. उसी तरह से MLM करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना, वो कंपनी से शादी करने के बराबर है. बिकॉज आप जब वो कंपनी से बाहर निकलते हैं तो आपका नाम खराब हो जाता है.
बिकॉज जो कंपनी के लिए आपने हजारों लोगों को बताया था ये बहुत अच्छी है करो करो, और वही कंपनी को जब आप छोड़ते हो तो आपको गालियों की बौछार को झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको लेने पड़ते हैं। ये बहुत डेंजरस फील्ड है, आई एम टेलिंग यू। मुझे भी बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ते हैं कि सर आप ट्रेनिंग के साथ MLM क्यों नहीं करते। मैंने कहा मेरे मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज अगर तू भाग गया, कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्ट गंदे निकले, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। देखिए आप जो अभी टीचिंग करते हैं, टीचिंग में जो अपने अपने नाम कमाया है ना, अगर वो कंपनी खराब निकली, कंपनी भाग गई, तो टीचिंग का भी आपका क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगा, आपके पास लोग टीचिंग के लिए भी नहीं आएंगे, आपको चोर की नजरिए से लोग देखेंगे। तो इसीलिए बहुत केयरफुली ये कदम उठाना। सो यहाँ पे और एक सवाल आया है, लेट मी रीड दैट, अ बिट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि मतलब एक व्यक्ति है हमारे ट्रेनिंग में जो लोगों से मतलब उनके दोस्तों के साथ वगैरह वो बात नहीं करते, जब जरूरत वगैरह होती है वगैरह, मतलब उनको लगता है हाउ आर यू वगैरह क्या पूछना है। सही है, एग्जैक्टली आपको जब काम रहेगा तभी आपको उनको कनेक्ट में रहना है। हाँ, लेकिन आपको एक काम करना जरूरी है मतलब लोगों से कनेक्ट अच्छा रखने के लिए, जब उनका बर्थडे रहता है राइट, या फिर उनकी एनिवर्सरी वगैरह है तो वो दिन उनको जरूर मैसेज करना यार, या फिर त्योहार वगैरह है राइट, तो वो दिन उनको जरूर मैसेज करना। बर्थडे को तो मत भूलना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर जबरदस्त बॉन्डिंग किसके साथ क्रिएट करना है तो हर बर्थडे को उसको याद रखना, बिकॉज वो व्यक्ति हर बार आपको याद आ रहे, हाँ मेरे बर्थडे को इसने कॉल किया, मेरे जन्मदिन पे इसने कॉल किया, मुझे मैसेज किया, मुझे ये बोला वो बोला। तो इस तरह से जब जरूरत रहेगी तभी आपको कनेक्ट में रहना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, हाउ आर यू, ये वो, ये टाइम पास नहीं करना है, रोज रोज क्या हाउ आर यू पूछना है, हफ्ते में एक बार हाउ आर यू क्या पूछना है। उससे अच्छा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी चीज आप कर सकते हैं या फिर उसको हेल्प करने के लिए आप कीजिए। जैसे कि मेरे वेबिनार्स वगैरह होते रहते हैं तो वेबिनार के लिंक उसे भेजिए ना यार, वो मेरा वेबिनार अगर अटेंड करेगा तो वो आपको दुआ देगा, ही विल ब्लेस यू। आप उसको रोज हाउ आर यू पूछिए, एक साल के लिए आपको दुआ नहीं देगा, वो बोर हो जाएगा। लेकिन आप मतलब ऐसा मेरा वेबिनार ऐसा नहीं, किसी का भी, कोई अच्छा नॉलेज आपके पास आया है, कोई अच्छी किताब है या फिर कुछ अच्छा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर वो आप उसके साथ शेयर करते हो और उसके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एंड दिस इज वॉट आई डू पर्सनली, मे बी किसी के साथ हाउ आर यू, तो कैसा है क्या है, हाँ मतलब बहुत दिनों के बाद मिल रहे तो बात अलग, लेकिन रेगुलरली मैं किसी के साथ ऐसे टच में नहीं रहता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं खुद से उसको शेयर करता हूँ। And this is what I do. I try to genuinely help others. So genuinely दूसरों को help करने की कोशिश कीजिए, उनके business में, उनके family में, उनके relationship में, automatically वो आपके साथ connected रहेंगे। So feel free and ask your question. Otherwise, we will have to end this question answer session. I'm waiting for your question. आपके सवाल post करते रहिए। अगर मैं जवाब भी दे रहा हूँ किसी चीज का, बिकॉज ये पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, आई एम गोइंग टू शेयर रिकॉर्डिंग विथ यू राइट, आई एम गोइंग टू शेयर रिकॉर्डिंग विथ यू, इट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर। और देखिए आप जब भी मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, सो डोंट वरी, अगर वो यूट्यूब के ऊपर भी है सो नो वन विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ओनली कुछ पॉजिटिव चीजें बतानी है तो ही मैं आपका नाम ले रहा हूँ, बट इन जनरल सवाल के बारे में आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। सो रिलैक्स एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। I'm waiting for your question. If there are no questions, then we can end our webinar. So, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, how to overcome laziness? Very beautiful question. अगर आपको laziness delete करना है आपके जिंदगी से, तो कुछ बड़ा target set कीजिए। ऐसा target जो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, और वो टारगेट याद से सबको बता देना, वो टारगेट याद से सबको बता देना। मतलब अगर आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, एग्जांपल आप बहुत देरी से उठते हो, लेजी बिहेवियर है आपका, तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे डाल दीजिए कि आई एवरी डे गेट अप एट 6 AM
एवरी डे गेट अप एट 5 AM जो भी जब भी आपको उठना है, तो क्या हो जाएगा, सभी लोगों का वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा एंड यू विल हैव टू फॉलो द सिस्टम. आदमी का लेजीनेस तभी जाता है जब वो डू और डाई सिचुएशन में आता है. डू और डाई, जब उसकी इज्जत दाव पे होती है ना, तो वो ऐसे ऐसे काम करता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं है. सो ऐसा कुछ करो, कुछ बड़ा टारगेट जिंदगी में सेट करो, लेजीनेस अपने आप निकल जाएगा. यू विल गेट मैड बिहाइंड योर गोल्स. सो डिसीजन मेकिंग को आपको जबरदस्त करने के लिए, देखिए डिसीजन मेकिंग आप लॉजिकली ज्यादा जाएंगी. मैंने लास्ट टाइम भी इसका आंसर दिया था, फिर से एक बार देता हूँ. डिसीजन मेकिंग अगर आप लॉजिकली हर बार जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे. हर बार लॉजिक से मत जाइए, ट्राई टू गेट द सिक्स्थ सेंस ऑल्सो. मतलब फ्यूचर को एंटिसिपेट करो, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो इंट्यूशन से जानने की कोशिश करो. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की मास्टरी अचीव करो, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली आप आपके डिसीजन ले सकते हो. यू कैन टेक डिसीजन एज पर दैट. ठीक है, अगर आपका कोई टारगेट अचीव नहीं होता है तो आप क्रिटिसिज्म फेस करेंगे, राइट? तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना है, टेक इट पॉजिटिवली. जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है, कन्वर्ट दैट पेन इनटू पावर. जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है, कन्वर्ट दैट पेन इनटू पावर. हर एक व्यक्ति ने यही किया है, एवरीवन हैज डन द सेम. आपको भी यही करना है, बिकॉज लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको. बाय द वे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप टारगेट अचीव भी करेंगे ना तो भी लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो भी आपके ऊपर जलने वाले हैं, तो भी आप में खोट निकालने वाले हैं. दुनिया तो बोलती ही रहेगी, आपको अच्छा करो बुरा करो कुछ भी मत करो, दुनिया तो बोलेगी. ये मेरी गारंटी है आपको, ये मेरी गारंटी. आप कुछ भी करो, दुनिया आपको बोलने ही वाली है. सो डोंट थिंक अबाउट इट. एज लॉन्ग एज, देखिए एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल, आप मेहनत कर रहे हो आपके टारगेट के लिए, एवरीथिंग इज ग्रेट. टारगेट नहीं अचीव हुआ, फिर से एक बार ट्राई करो, बाउंस बैक करो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड बाउंस बैक नेक्स्ट टाइम. सिंपल, बाउंस बैक. Come on guys, feel free and share your question. जो भी आपके सवाल है, जो भी मतलब आप में और सक्सेस के बीच में, आप यहाँ हो और सक्सेस यहाँ पे है, जो बीच का जो रास्ता है, आपको जो मुश्किल लग रहा है या फिर जो भी डर लग रहा है, शेयर विथ मी. आई विल हेल्प यू फॉर दैट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन. ये है आपका सक्सेस और यहाँ पे आप. सो यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचाने में मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ और आपकी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाला हूं. आई वांट टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी, तो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस. लेकिन फॉलो नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है. आपको मैं सॉल्यूशन दिए जा रहा हूं, बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी तक आपको मैंने दिए अलग अलग पेशेंट्स के लिए, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे, सॉरी कुछ भी नहीं होगा. एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता. सो इट इज ऑलमोस्ट 4:47 right now. Looks like there are no questions. We covered a lot of questions. It was quite intense session. So I'm giving you last 2 minutes. Agar 2 minute mein koi sawal nahi aata hai, we will call off this session. Don't worry, ye session record ho chuka hai. I'm going to share the recording with you. So yahan pe sawal aaya ki intuition kaise develop kare. Aapne already life mastery already join kiya hai. Subconscious mind ki training aap follow kijiye aur आप खुद से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, खुद के दिल से पूछिए कि इंप्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग जो लाइफ मास्टरी की है, क्या वो आपने कंप्लीट की है? आस्क योरसेल्फ, हैव यू टेकन एवरी सिंगल स्टेप विच आई टोल्ड यू? आस्क योरसेल्फ. इफ नॉट, सॉरी, आपका इंट्यूशन में डेवलपमेंट आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा. अभी नेक्स्ट मंथ की 7th को बैच शुरू होने वाली है. ऑनेस्टी के साथ जो भी मैं कहता हूं कीजिए, मिरेकल्स होंगे. और एक मिराकल रिसेंटली हुआ है, अभी मैं वो गुड न्यूज आपको, गुड न्यूज नहीं वो ग्रेट न्यूज है, मैं आपको देना नहीं चाहता, बिकॉज अभी तक जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है शेयर करने के लिए. अगर वो ग्रीन सिग्नल व्यक्ति दे देता है तो शायद उसका वीडियो या फिर उसका जो टेस्टिमोनियल है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. वो व्यक्ति को लॉकडाउन के सिचुएशन में, वो फ्रेशर व्यक्ति है और ऐसे फ्रेशर व्यक्ति को लॉकडाउन के सिचुएशन में जॉब मिला है, विच इज वेरी बिग 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 अचीवमेंट. देखिए एक यहाँ पे और एक सवाल आया कि एक व्यक्ति थे, मतलब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, तो उनका एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, अभी उनमें मन में डर बैठा है. रॉन्ग है यार, ट्राई टू टेक लर्निंग फ्रॉम इट.
ट्राई डूइंग लर्निंग फ्रॉम इट. कितने मतलब लोगों के कितने प्रोजेक्ट फेल होते हैं. आप कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति का आप केस स्टडी लीजिए, उसने कितने बार ना सहन किया है यार. मैं आपको कहूं, जो भी व्यक्ति आपको ना कहता है या फिर जब यूनिवर्स आपको ना कहता है तो और स्ट्रांग बन जाइए. विथ एवरी नो आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. आप और पम्प्ड अप होने चाहिए और पागल होने चाहिए वो टारगेट अचीव करने के लिए. इंप्रूवमेंट कीजिए, जो भी आपने गलतियां की है उसका फीडबैक ले लीजिए और नेक्स्ट टाइम बाउंस बैक कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए. डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, बिकॉज इन योर लाइफ आइदर यू विन और यू लर्न. आप अभी उसको फेल्यूर की तरह देख रहे हैं ना, उसको फेल्यूर की तरह मत देखिए, उसको एक लर्निंग के तौर पर लीजिए और बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए. आप कोई भी व्यक्ति के केस स्टडी को लीजिए, हर एक व्यक्ति बहुत बार फेल हुआ है, उसने बहुत सारे नोज को डाइजेस्ट किया है. जेके रॉलिंग, पता है जेके रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की किताब लिखी थी, कितने लोगों ने उसको ना बोला था, कितने लोगों ने, मोर देन 100, कितने लोगों ने उनको ना बोला. अमिताभ बच्चन जी ने भी जब मूवीज में काम करना शुरू किया, उन्होंने कितने उनके फ्लॉप मूवीज थे, कितने लोगों ने उनको ना बोला था. मतलब अब कोई भी इंसान ले लीजिए, कोई भी इंसान ले लीजिए, और स्टार्टिंग के फेज में आपको ना सहन करना ही होगा, अदरवाइज आप बाउंस बैक नहीं कर सकते. देखिए दुनिया तो आपको स्टॉप करेगी, मतलब नाउ एवरीबडी स्टॉपिंग यू. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, देन गो फॉर इट यार, गो फॉर इट. वही दुनिया जो आज आपको रोक रही है, वही दुनिया आपको बाद में सल्यूट करेगी, दे विल सल्यूट यू. आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए यही तो मतलब, देखिए सक्सेसफुल लोग ज्यादा क्यों नहीं होते, बिकॉज उनको रूटीन काम पसंद है, उनको किसी का क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए. इसलिए बहुत लोग है ना सेफ गेम खेलते हैं, सेफ. आपको पता है दुनिया का जो 96% पैसा है ना, वो 1% लोगों के पास है. पता है क्यों? बिकॉज जो 1% लोग है ना, वो ऐसे काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसे ऐसे आइडियाज लाते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज लगाते हैं जो ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते. आपको पता है जब मतलब कोई भी आइडिया दुनिया में इंप्लीमेंट होती है, जैसे कि ओला कैब, उबेर कैब, या फिर मोबाइल, या फिर कुछ भी नई आइडिया आती है, तो मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं अरे ये तो आइडिया मेरे दिमाग में कब से आई थी यार, शिट, ये तो मुझे पता था यार, मेरा तो यही प्रोजेक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया. चुरा नहीं लिया मेरे दोस्त, तेरे में हिम्मत नहीं थी वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, किसी दूसरे बंदे में वो हिम्मत थी इम्प्लीमेंट करने की, उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया और वो सक्सेसफुल बन गया. आज बहुत सारे लोग मतलब जॉब करते रहते हैं. देखिए जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करने से भी आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन कभी कभी उनके पैशन होती है कुछ, उनको जिंदगी का एक मकसद होता है, पैशन होती है, लेकिन नहीं फॉलो कर पाते, ऑर्डिनरी लाइफ में वो अटक जाते हैं. देखिए मैंने खुद, मेरा इंजीनियरिंग था, इतना जबरदस्त करियर था जहाँ पे मुझे आज महीने का 1.5-2 लाख रुपया सैलरी आराम से मिल सकता था. अगर अब्रॉड जाता हूँ तो 4-5 लाख सैलरी आराम से मिल सकती है, लेकिन वो मैंने सैक्रिफाइस किया है एंड आई एम फोकसिंग अपॉन 1 crore सक्सेस स्टोरीज. सो जिसमें मुझे बहुत सारे लोग अभी भी टोकते हैं, पीपल स्टिल स्टॉप मी. जब मैंने वो शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी रोका था कि कैसे होगा क्या होगा, बट आई एम स्टिल डूइंग दैट. सम पीपल स्टिल स्टॉप मी, डोंट लिसन. एज लॉन्ग एज यूर ट्रू टू योर हार्ट और आपको पता है, आप में बिलीफ है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, गो फॉर इट. So let me read another question. Wow, so यहाँ पे एक case study यहाँ पे share की है कि एक हमारे student है जो एक cricket की team में उनका selection नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया अपने game के ऊपर और आज वही team के वो main bowler है. So this is how you are supposed to bounce back. Every time people say no to you, तब और मतलब खून खोलना चाहिए. और इम्प्रूवमेंट कैसे करूं? बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू. सो यहाँ पे और एक यहाँ पे एक खुद एक सॉल्यूशन आया है. जब आप कोई व्यक्ति ना कहता है या फिर आप कोई प्रोजेक्ट में फेल होते हैं, फोकस ऑन पॉजिटिव साइड, व्हाट वेंट वेल एंड वाज सपोर्टेड बाय अदर्स. मतलब जो भी सपोर्ट आपको मिला है लोगों से, मतलब वो पॉजिटिव साइड भी देखिए, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है. एंड मूव फ्रॉम योर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. सक्सेस का एक डेफिनेशन है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त है, आपको ये यकीन हो जाएगा.
देखिए सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म. सक्सेस इज नथिंग बट मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म. सो चेक इट आउट, आर यू हैविंग दैट एंथुसियाज्म टू फॉलो थ्रू कंटिन्यूअसली. सो लुक्स लाइक अभी ऑलमोस्ट 5 बजने आए हैं एंड लास्ट 1 मिनट आई विल गिव, लास्ट 1 क्वेश्चन आई विल टेक एंड वी विल कॉल फॉर द डे एंड वी विल meet some other day with question answer session or maybe some other topics. I'm going to take topics like Chanakya Niti, Swami Vivekananda ki bhi life mein study karne wala hoon aur unke upar bhi videos aane wale hain, bahut kuch aane wala hai. Lot of case studies are remaining. Bahut sare other projects ke upar bhi main kaam kar raha hoon. I'm going to release very soon ek kitab ke upar main kaam kar raha hoon. I'm writing a book, wo bhi bahut jaldi release hone wali hai, which will give you a lot of knowledge, बहुत जबरदस्त secret knowledge, subconscious mind और spirituality बहुत कुछ है उसमें, मैं आपके साथ share करने वाला हूँ. So looks like there are no question. Thank you so much everyone for attending this question answer session. ये knowledge को follow कीजिए, please 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 knowledge को follow कीजिए. मैं फिर से एक बार कहता हूँ, subconscious mind की techniques, visualization, affirmation, अभी आपको सब कुछ पता है, honesty के साथ follow कीजिए. अगर आपको implementation program में फिर से join होना है, आप ऑलरेडी फेसबुक के ग्रुप में हो, आपको मैं निकालने नहीं वाला हूँ, यू आर ऑलवेज देयर, यू कैन कीप डूइंग योर होमवर्क, यू कैन कीप डूइंग योर होमवर्क. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर, एंजॉय.